अब एक समस्या अस्थिरता वाली हमने किसी भी हालत में जोड़नी नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पंजाब को फिर से अस्थिरता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। साथियों, कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम एक नई पार्टियां आई है, वो भी एक के बाद एक, रोज नए झूठ, रोज नई मनगढ़ंत बातें पंजाब में आकर बोल रहे हैं। वो लोग जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं, दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए।